हेलो दोस्तों, मेरा नाम गौरव कुमार है और मैं आपको आज 10th क्लास का ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का 8.2 एक्सरसाइज करवाने के लिए जा रहा हूं और उसमें भी तीसरा ऑप्शंस। इससे पहले हम और भी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो कृपया कर आप वो जाकर पहले देखें और उससे भी सीखें कि उसमें भी अच्छे अच्छे फॉर्मूला का जिक्र किया गया और उसमें आपको 8.1 एक्सरसाइज कवर किया गया। तो आपको इसमें भी एक वीडियो हमने पहले अपलोड कर चुके हैं 8.2 एक्सरसाइज का, जिसमें आपको बेसिक बताया गया है और इसके फॉर्मूला, इसका वैल्यू, इसमें मान साइन 30, साइन कॉस 10, कॉस ऐसे 10 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, साइन 40 डिग्री, ये 40 डिग्री नहीं, साइन 45 डिग्री, इन सब का वैल्यू कैसे हम निकालते हैं, तो उसमें हमने बता दिया पहले वाले वीडियो में जस्ट। तो अब आते हैं दूसरे पार्ट पर। तो हम पहले ही लिख चुके हैं ये वाला, कि आपको फिर हमें समय व्यर्थ ना हो लिखने में। तो आइए देखते हैं 10th क्लास का ट्रिगोनोमेट्री पार्ट का एक्सरसाइज 8.1 एक्सरसाइज चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री, थर्ड है। इससे पहले हमने दो कर दिया है, ठीक है, और उसका वैल्यू निकालने के लिए भी बता दिया है। तो देखिए, इसमें कुछ नहीं है, कॉस 45 डिग्री 1/√2, 1/√2 कैसे है 45 डिग्री, इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। वरना यहाँ पर देखिए कुछ नहीं करना, हमने पहले वाला वीडियो में बताया कि कॉस 45 डिग्री के सामने कोड आता है, वो दो है, फिर उसमें खुद से अपने मन से 4 से डिवाइड देना है और उसका अंडर रूट निकालना है, और उसके बाद में फिर 2 से 2 हमने 2 टू एकम 2 एकम 2 दो दुनी 4 2 लिख लिया, फिर उसका अंडर रूट 1 का वर्गमूल और 2 का वर्गमूल नहीं निकलता, तो एज इट इज वही रह जाएगा। फिर हमने यही रख दिया, फिर कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू ये होता है 2/√3 प्लस सेक 30 डिग्री का ये होता है और कोसेक 30 डिग्री का ये होता है। फिर हमने इसका एलसीएम लिया। तो आपको इससे पहले हम ये बता रहे हैं कि एलसीएम लेने से पहले इन सब में आप अटक जाओगे जब आप बच्चों वाली एलसीएम करोगे, वो जो बचपन में किया करते थे, क्योंकि रूट में थोड़ा सा आपको वो आ जाता है, क्या मल्टीप्लीकेशंस कैसे करें रूट के साथ, तो वो भी हमने यहाँ बताया। तो इस तरह का एलसीएम कैसे लेना है वो सुनो। जैसे कि आप बचपन में कैसे लेते थे, 2 का एलसीएम 2 आ गया, फिर 2 को कितना बार पढ़ें कि 2 आ जाए, तो एक बार, तो एक को भी आप एक बार पढ़ते थे, फिर 2 को कितना बार पढ़ें कि 2 आ जाए, तो एक बार, तो आप एक को भी एक ही बार पढ़ते, तो एक और एक 2 हो गया, फिर 2 से 2 ख़त्म, यानी 4 बच गए। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए, हमने अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, अब सिंपल है, जो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 दूनी 4 यहाँ लिख देना है, और पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे गुना करके यहाँ लिख दो और इसको इससे गुना करके यहाँ लिख दो, बीच में प्लस है तो प्लस डाल दो और दोनों को ऐड कर दो, 4 से 4 डिवाइड लगेगा, तो आंसर तो एक ही आएगा दोनों का, यानी कि दोनों ही सही है। तो आप सब इससे इजी तरीका से कोई भी क्वेश्चन मतलब एलसीएम कर सकते हो फास्ट। जैसे कि हमें ये इतना दे दिया, तब हमें ऐसा दे दिया, तो हम कितना एलसीएम लेते रहे, 9×54 डायरेक्ट लिखेंगे और फिर उसके बाद में 9×36 आप प्लस में 6×24 ये लिख के ऐड कर देंगे, 0×6 60×54, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एलसीएम लेने का बहुत इजी मेथड है, कि मतलब फ्रैक्शंस का यानी भिन्न के जोड़ का कैलकुलेशन करने में, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसको इससे करके यहाँ पर लिख दो और ऐड कर दो, काम खत्म। तो ये तरीका है। और एक बात और ध्यान से सुनो, कि हमें अगर जो रूट वाले को रूट के साथ गुना करना है तो कैसे होता, अच्छे से समझना ये और पाउस करके देखना कि इसको कैसे करते हैं। अगर जो हमें रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 2 दे रखा है, फर्स्ट तरीका, तो क्या करना है कि जो रूट में है ना, रूट के अंदर वाले से गुना होता है, ये ध्यान रखना, जो रूट में है वो रूट वाले के अंदर से ही गुना होगा, यानी ये अंदर है और ये भी अंदर है, तो ये दोनों गुना होके 6 हो जाएगा और इस पर भी अंडर रूट होगा, क्योंकि दोनों पर अंडर रूट है। ये तो एक पहला हो गया। और दूसरा ये है कि अगर जो एक बाहर है मल्टीप्लाई और ऐसे दिया है, यहाँ भी 2 दे रखा है, तो क्या होगा,
इसमें भी वही होगा, बाहर वाले को बाहर से गुना कर दो, 2 दूनी 4 हो गया, और फिर रूट वाले को रूट के साथ गुना कर दो, यानी कि रूट 6 हो जाएगा। ये आपका तीसरा है, और चौथा ये है, दूसरा तीसरा ये रहा कि अगर जो हमें ऐसे दे रखा हो 3 मल्टीप्लीकेशन रूट 2, तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ ऐसे कर देना है, यहाँ कुछ नहीं था, 1 रहता, 3 गुने 1 3, आप फिर रूट अंडर है तो रूट अंडर 2, ये हो गया आपका। और चौथा ये रहा कि अगर जो ये सब बारीकी से ध्यान में रखना है, क्योंकि ये यही बेसिक है, 8.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन इसी पर आधारित है, इसी पर डिपेंड है, एलसीएम लेने में आपको रूट अंडर वाले थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए हमने ये पहले ही बता दिया कि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो आइए क्या फिर उसके बाद में है चौथा, चौथा ये रहा कि अगर जो हम ऐसे लिख दें, अब प्लस रहे, इसमें तो मल्टीप्लीकेशन है ना, अगर जो प्लस रहे और ऐसे ऐसे रहे रूट टू ऐसे दिया रहे, तो क्या करेंगे, प्लस वाले कब प्लस होते हैं, जब देखेंगे कि यहाँ भी रूट टू है और यहाँ भी रूट टू है, लास्ट में रूट टू ही रहना चाहिए, यहाँ कुछ नहीं तय है, तो कितने रूट टू हो गए, 3 और 1 4 रूट 2, ये मत कर देना कि 2 दूनी 4 हो गया और फिर 3 लिख देना, नहीं, 3 को 1 से जोड़ देंगे और ये ज्यों का त्यों लिख देंगे, ठीक है। और अगला क्या हो सकता, अगर जो ऐसे ऐसे रहे √3 या प्लस में 2√2 ये रहे, तो ये कभी नहीं जुटेगा, ये एज इट इज यही रह जाएगा, आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि इसके पीछे √3 और ये √2 है, तो ये दोनों ऐड नहीं होंगे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा ना, तो ये सब क्वेश्चन अच्छे से बन जाएगा कि कहाँ पर जुटता है, कहाँ पर जुटता, अब जैसे कि आप यहाँ पर जोड़ कहेंगे कि जुट जाएगा, ये जुटेगा नहीं, ठीक है, यहाँ 2 है, यहाँ 2√3 है, पीछे में √3, तो 2 और 2 4 मत कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये सब ध्यान में रखते हुए आप अच्छे से इसको एक कहीं अलग जगह पर लिख के, ये बेसिक है, आप समझ लीजिएगा। आइए अब क्वेश्चन पे आते हैं, सिंपल, अब उसको यहाँ पर ले आते हैं, 1/√2 है तो √2 लिख दो, और फिर उसके बाद में नीचे क्या है, नीचे है हमारा बच गया, अब नीचे क्या, इसको हम ये डिवाइड में है ना, ये डिवाइड में है, तो इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन ऊपर में रूट टू है, और जब डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में करते तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाता है, यानी कि √3/2 + √3 ये हो जाता है। तो ये सब आपको बचपन में भी पढ़ाया गया कि जब भागा को गुना में बदलते हैं तो ये वाला नीचे वाला है जो ऊपर और ऊपर वाला है जो नीचे हो जाता है, जैसे कि ये देखिए √1 को √3 से गुना करेंगे तो 1 ही √3 हो जाएगा, और फिर उसके बाद में क्या है नीचे में, अब ये है ना, ये यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, √2 है जो इन दोनों से गुना होगा, इससे भी और इससे भी, क्योंकि दोनों ही अलग अलग हैं, तो इससे भी मल्टीप्लीकेशन होगा और इससे भी मल्टीप्लीकेशन होगा, तो क्या हो जाएगा, तो हम जानते हैं कि आपको हमने अभी जस्ट बताया कि √2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो यहाँ कुछ नहीं तय, इसके पीछे रूट है नहीं है, इसके पीछे रूट नहीं है, तो ये सिर्फ आगे वाला से गुना हो सकता है 2 से, और √2 ज्यों का त्यों रह जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 2√2 प्लस, उसी प्रकार इसमें देखो यहाँ रूट है, √2 मल्टीप्लीकेशन किस में कर रहा है, 2√3 में, तो क्या करना है, रूट को रूट के अंदर वाले से कर दो, तो 2 बाहर एज इट इज रह जाएगा, यहाँ कुछ नहीं, 1 गुने 2 2, और √2 गुने √3 √6 ये होता है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर लिख लीजिए, अब आगे आइए, अगर जो ये √3 है हम इसको इस साइड कर देते हैं और इसको इस साइड कर देते हैं, 2√6 और प्लस में 2√2, हमने ये क्यों किया, वो इसका बहुत बड़ा रीज़न है, ये हमने ये क्यों किया उसका भी बड़ा बहुत रीज़न है, क्यों, क्योंकि आप अगर जो इसको ऐसे चेंज नहीं करेंगे ना, तो नीचे वाला है वैल्यू जो माइनस में आ जाएगा, क्यों आएगा माइनस में, क्योंकि देखिए आगे अगर जो हर का परिमेयकरण हम करते हैं, हर का परिमेयकरण करते हैं, तो क्या हो जाता है,
जो प्लस है वो माइनस में, जो माइनस है वो प्लस में, तो 2√6 माइनस में 2√2 अपॉन में 2√6 और माइनस में 2√2। यहाँ देखिए, और यहाँ है जो क्यों हमने यहाँ पर एक्सचेंज कर दिया इसको, वो देखिए, बड़ा वाला को इस साइड कर देना और छोटे वाले को इस साइड, यहाँ 2√2 है और यहाँ 2√6 है, तो ये बड़ा है ना इससे, तो इसलिए हमने इसको इस साइड कर दिया। क्यों किए? क्योंकि यहाँ ए है, इसे मानेंगे और इसे बी मान लेंगे, तो ये भी ए और ये भी बी। तो आप पढ़ चुके हो कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, जो आप नाइन्थ में बहुत अच्छी तरह पढ़ चुके हो। ये सब फॉर्मूला बहुत बेसिक है, याद रहना चाहिए। तो हमें देखिए, हमें ये दे रखा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको क्या करेंगे, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब ये कर रखा है इसका स्क्वायर, फिर माइनस माइनस बी स्क्वायर, तो बी क्या दे रखा है, 2√2 और इसका स्क्वायर हो गया इसका स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा कि ये जो स्क्वायर है ना वो कैसे ये करता है, ये स्क्वायर इस पर भी है और ये स्क्वायर इस पर भी है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है और ये स्क्वायर इस पे भी है, तो √6 का स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर इस पर भी है और ये स्क्वायर इस पे भी है, बैठ जाओ, तो ये दोनों पर ये स्क्वायर रहते हैं और ये 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लीकेशन और 6 का √6 का स्क्वायर हो जाता है सिर्फ 6, ठीक है। और इसका अगर जो हम ये करें मल्टीप्लीकेशन तो 6 × 4 = 24 हो जाता है। तो ऐसा ऐसा होता है, ये सब बेसिक है, ठीक है, ये सब बहुत बेसिक है, क्योंकि ये स्क्वायर है ना जो ब्रैकेट का ये वैल्यू है कि ये स्क्वायर इस पे भी रहता है और ये स्क्वायर इस पे भी रहता है, तो आप कर सकते हैं 2 का स्क्वायर और फिर बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो गुना, फिर आप जानते हैं कि रूट से स्क्वायर खत्म हो जाते हैं, यानी भूत भागता है भगत से तो रूट भागता है स्क्वायर से, ठीक है। तो 2 हो गया यहाँ पर और 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लीकेशन और 2 2 जा यानी 4 2 जा 8, ऐसे होता है। तो आप देख रहे यहाँ आया 24, फिर माइनस यहाँ आ गया 8, फिर उसके बाद में क्या हो गया, अगर जो 24 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 16, ठीक है। अगर जो आप यहाँ एक्सचेंज ना करते, यहाँ पर एक्सचेंज ना करते, एज इट इज यही वाला लिख देते यहाँ, तो ये है जो इस साइड रहता और ये है जो इस साइड रहता, तो आप देख सकते हैं कि ये है जो इस साइड हो जाता और ये है जो इस साइड हो जाता, यानी कि 8 इधर आ जाता और 24 इधर, तो आपका माइनस में आंसर आने लगता। और जो अच्छा नहीं होता फिर आपको ऊपर भी कुछ मतलब टाइम वेस्ट हो जाता, इसलिए आप पहले से ही सतर्क रहें कि जो बड़ा है ना प्लस में उसको इस साइड कर दें और ये जो छोटा है उसको इस साइड कर दें, उसमें आप ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाकर इजी से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको मिटाते हैं, अब देखिए, अब ऊपर से एज इट इज ये दोनों है ना जो इससे मल्टीप्लीकेशन होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो हमने कहा था कि √√3 √√2 से ही मल्टीप्लीकेशन होगा, 2 एज इट इज रह जाएगा 2 और फिर √3 को √6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √18, फिर माइनस और फिर यहाँ देखिए √3 है एंड ये रहा √2, तो √3 को √2 से मल्टीप्लाई कीजिए और 2 एज इट इज रहने दीजिए तो √6 हो जाएगा, ओके। और नीचे में जो बचा है ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला पर है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होता है, तो 2√6 का होल स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर यानी कि 2√2 का स्क्वायर ये होता है, ओके। तो अब आप जानते हो कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ 2 18 को हम लिख लिए 3 × 3 × 2 है ना, और फिर माइनस में 2√6 ओके अपॉन, नीचे में हम जानते कि ये 40 हो जाएगा 24 हो जाएगा और माइनस में 8 हो जाएगा क्योंकि हमने पहले ही इसके जस्ट अभी 1-2 मिनट पहले बताया। तो ये क्या हो जाएगा, हमने बताया था कि रूट अंडर से सेम 2 रहने पर एक वापस बाहर आ जाता है और एक ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ सेम है ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाहर आ गया 3 और अंदर में 2 रहन 2 से अपॉन में 24 में हम 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 आ जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, हम ऊपर वाला इरेज करते हैं,
तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 6√2 − 2√6 अपॉन 16 है, ओके। 2 2 से कॉमन आ जाएगा, 2 यहाँ भी है, या आप मल्टीप्लाई मत कर नहीं करके रहन दीजिए, 2 2 यहाँ भी है तो 2 कॉमन आ जाएगा, 3√2 माइनस में √6 यहाँ पर बचेगा क्योंकि यहाँ से 2 कॉमन आ गया, ये देखिए अपॉन में 16, 2 से डिवाइड हो जाएगा यानी कि 3√2 माइनस में √6 अपॉन में 8, यही आपका आंसर हुआ फाइनल, ओके। ठीक है, अब इसको इरेज कर देते हैं, आप पाउस करके इसको लिख लीजिएगा। आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है, साइन 30° प्लस टेन 45° माइनस कोसेक 60° अपॉन सेक 30° प्लस में कोसेक 60° प्लस में कॉट 45°, ये है आपका। तो आप इसको इसका भी सॉल्यूशन कीजिए, सेम एज इट इज वही है, ये भी क्वेश्चंस उसी पर डिपेंड है, सिर्फ आपको वैल्यू पता रहना चाहिए, बाकी आपके हाथ में है। तो साइन 30° का वैल्यू 1/2 प्लस में टेन 45° का मान होता 1/√2, ठीक है, और माइनस कोसेक 60° का मान होता 2/√3 अपॉन 60, सेक 30° का 2/√3, फिर प्लस में कोसेक 60° का वैल्यू 1/2, और फिर प्लस में कोट 45° का मान, यहाँ पर टेन 45° है ना, तो टेन 45° का वैल्यू 1 होगा, ठीक है, और यहाँ कोट 45° का भी वैल्यू 1। और वैल्यू कैसे इतना जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, इससे पहले वाला वीडियो में हमने ये बता दिया कि कैसे निकालना है, तो आपको वैल्यू नहीं निकालना आता तो प्लीज़ जाकर वो पीछे वाला वीडियो देखें और फिर उसके बाद में ये वाला बनाएं, तो ये आपको इजी लगेगा बनाने में। एलसीएम आपको आता है तो कर लीजिए, अगर जो एलसीएम अच्छा से नहीं, पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं, इन दोनों को, ठीक है, दो दो करके जोड़ लेते हैं, क्योंकि तीनों एक साथ अगर जो कीजिएगा तो आप फंस सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो दो, इन दोनों का एलसीएम दो, फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं 2, फिर ये इससे मल्टीप्लीकेशन हो गया और फिर ये इससे हो जाएगा, तो 2 फिर −2√3 बचेगा, और नीचे में भी इन दो इसको एज इट इज रहने दीजिए, ठीक है, प्लस इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, इन दोनों को गुना कर दीजिए 2, और इसको इससे गुना करके और फिर इसको इससे गुना करके यहाँ लिख दीजिए, फिर यहाँ हो गया 3/3 2 और माइनस में 2/√3 अपॉन, फिर वही है एज इट इज, सिर्फ ऊपर माइनस हो गया और नीचे प्लस हो गया 3/2, ओके। अब इन दोनों का एलसीएम आप ले सकते हैं, इसको मिटा देते हैं यहाँ, आप एलसीएम ले सकते हैं इन दोनों का एज इट इज। एलसीएम क्या लेना, मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं ना, तो 2√3, क्योंकि 2 और √3 में मल्टीप्लाई करने के लिए हम पहले ही बता चुके हैं, तो क्या हो जाएगा 2√3, और फिर उसके बाद में इसको इससे मल्टीप्लाई कर, जब मल्टीप्लाई करते हैं ना तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, तो 3 × √3 तो 3√3, फिर माइनस है तो माइनस रखो और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 4 हो जाएगा अपॉन में, फिर वही आ जाएगा एज इट इज 2√3, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4 क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर प्लस में 3√3 हो जाएगा। देखिए एज इट इज सेम है तो ये डिवाइड होके ख़त्म हो जाएगा, बच गया ऊपर में 3√3 माइनस में 4 अपॉन में, क्या बच गया 4 प्लस में 3√3, ये हमारा बच रखा है, ठीक है। तो अब देखिए, अब हर का परिमेयकरण कर सकते हैं, तो हर का परिमेयकरण करने के लिए हम फिर इसको उल्टा कर देंगे, क्योंकि देखिए अगर जो हम इसको उलट दें, ऊपर वाले को रहने दीजिए और इधर प्लस, दोनों में दोनों ही प्लस है, यहाँ प्लस छुपा है, तो हम इसको उलट सकते हैं,
प्लस अब हर का प्रमेयकरण अगर जो कीजिएगा आप, अब हर का प्रमेयकरण कीजिएगा तो ये प्लस से ऊपर जाएगा तो माइनस, तो देखो ये दोनों ही सेम हो जाएंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हर का प्रमेयकरण करने पर क्या हो जाएगा, थ्री रूट थ्री या माइनस में फोर अपॉन में थ्री रूट थ्री या माइनस में फोर, ये हो जाएगा। अब आइए, अब देखिए दोनों ही सेम है, दोनों ही सेम है तो दोनों ही सेम है तो यहाँ पावर कुछ नहीं तय है, यहाँ भी पावर कुछ नहीं तय है, दोनों सेम बेस सेम रहने पर पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो थ्री रूट थ्री या माइनस में फोर इसका स्क्वायर हो गया अपॉन में, इसको ए मान लें और इसको बी, तो ये ए हो जाएगा और ये बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की जगह थ्री रूट थ्री है और इसका स्क्वायर फिर माइनस है तो माइनस और फोर का स्क्वायर, ठीक है। आप अगर जो इसका चाहते हैं तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर लगा सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ओके। तो ए स्क्वायर तो ए की जगह कितना है थ्री रूट थ्री का स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह कितना है फोर का स्क्वायर, फिर माइनस टू ए की जगह थ्री रूट थ्री अब मल्टीप्लाई बी, तो बी की जगह फोर है अपॉन में नीचे, हमने बता दिया कि कैसे स्क्वायर करना है, ये स्क्वायर इस पर भी है और ये स्क्वायर इस पर भी है, तो तीन का स्क्वायर नो और ये स्क्वायर से रूट खत्म, तो नो और फिर यहाँ नो आ गया, यहाँ पर थ्री है तो नो दिया सत्ताईस, फिर उसके बाद यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है, फिर फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, ओके। आप इसका लिखो, आप कुछ लिखो टेबल वगैरह आप लिख लो। कितने टाइम हो रखा है, अभी 10 बजे होंगे ना, अभी 10 ही बजे। नीचे देख क्या वो रूम है, वो गाड़ी लगा हुआ सामने वाला इधर, हाँ। तो आइए अब यहाँ से क्या करना है, इसका भी वही रूल है, ये स्क्वायर इस पर भी है और ये स्क्वायर इस पर भी है, तो इसका भी थ्री थ्री जा नाइन और नौ तिया सत्ताईस, यानी कि सत्ताईस सत्ताईस फिर प्लस सोलह फिर माइनस दो, देखो बाहर वाले को बाहर से गुना करना है तो तीन दूनी छः और छः चौक चौबीस रूट थ्री, चौबीस रूट थ्री। यहाँ ध्यान से देखना ये सब बाहर ही है, फोर भी अलग है, तीन भी बाहर है, रूट के अंदर नहीं है और दो भी बाहर है, तो सब बाहर वाले को गुना कर देंगे और रूट को अंदर वाले को रूट में ही रहने देंगे, ठीक है। और नीचे हमारा आ जाएगा सोलह, अगर जो सत्ताईस में सोलह घटाएंगे तो कितना बचेगा, ग्यारह, तो ग्यारह बच गया। फिर उसके बाद में आप सो ये ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, सच हो तेरह के तीन भाग्याल में एक दो एक तीन एक चार, तैतालीस माइनस में चौबीस रूट थ्री अपॉन में इलेवन, ये आपका आंसर हो गया। आप अगर जो ये देखिए ये आपको सिद्ध करने के लिए देगा, प्रूव करने के लिए देगा कि आप ये पहले प्रूव करके बताइए, अगर जो आपको ये प्रूव करने के लिए नहीं दिया है तो आप तीन चार स्टॉप तक लेके जाकर छोड़ सकती है सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चंस, अब थर्ड क्वेश्चंस पे आते हैं। फोर्थ हो गया ना तो थर्ड कैसे, फिफ्थ पर आएंगे ना, फिफ्थ क्वेश्चंस पे आते हैं आप। ये भी ये इजी दे रखा है, फाइव कोस स्क्वायर सिक्सटी डिग्री प्लस फोर सेक स्क्वायर थर्टी डिग्री माइनस टेन स्क्वायर फोर्टी फाइव डिग्री अपॉन में साइन स्क्वायर थर्टी डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर थर्टी डिग्री, ये भी दे रखा है। तो आप इसको कई तरह से कर सकते हैं, इसको करने का एक ही रूल नहीं होता, इसको करने का बहुत तरीका होता है अपना अपना, लेकिन आंसर सबका सेम ही आता है। जैसे कि इसमें अगर जो हमें हम देखें
तो आपको तो वो अभी फॉर्मूला नहीं पता है, लेकिन जब आप टोटल ट्रिगोनोमेट्री अगर जो पढ़ लीजिएगा तो आपको यहाँ पता चलेगा कि इसका डायरेक्ट वैल्यू वन आ जाएगा। इसका वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगा? वन। ये आप आगे मैं बताऊंगा, अगले एक्सरसाइज, अगले 8.23 एक्सरसाइज में आपको ये जानना है कि ये वन कैसे हो जाएगा। अदरवाइज अभी देखिए कैसे सॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, फाइव एज इट इज लिख देना है। कोस स्क्वायर 60 डिग्री, कोस स्क्वायर मैंने कहा था हम कोस स्क्वायर 60 डिग्री को कोस 60 डिग्री भी लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, या आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि कोस 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, होता है तो होता है 1/2, और इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा ये। फिर प्लस 4 यानी 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, 30 डिग्री का वैल्यू होता है, यहाँ गुना है छुपा, ध्यान से रखना देखना, और 30 डिग्री का होता है 2√3, 2/√3, और उस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस 10 45 डिग्री का मान 1 होता है, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन में 10 sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2, और इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा। इसका मान होता है √3/2, और इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा। 5 को ज्यों का त्यों रहने दो, ये स्क्वायर इस पर भी है और ये स्क्वायर इस पर भी रहता है, यानी कि 1 का स्क्वायर 1, और ये स्क्वायर इस पर भी, यानी कि 2 का स्क्वायर 4। फिर प्लस 4 लिख सकते हैं, अगुना यह स्क्वायर इस पर भी है और यह स्क्वायर इस पर भी है, तो 2 का स्क्वायर 4, और यह हम कह दिए थे स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है। या कैसे खत्म होता है ये पीछे वाला वीडियो में भी बता चुके हैं, या देखिए √3 का अगर जो स्क्वायर करना है तो √3 × √3, हमने कहा था कि अंदर वाले को अंदर के साथ गुना कर दो, इसका अंडर रूट, और 9 का वर्गमूल 3 होता है। थोड़ा जल्दी जल्दी हो रहा है तो आपको मतलब स्पीड कम कर लेना चाहिए, यूट्यूब में ये फंक्शन दिया रहता है तो आपको स्लो करके समझ लेना क्या मैंने बताया। यहाँ पर 3 हो जाएगा, और फिर उसके बाद में माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। ठीक है, थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं। चलिए नीचे क्या दे रखा है, यह स्क्वायर इस पे भी, यह स्क्वायर इस पे भी, तो 1/2 2 का स्क्वायर 4। फिर प्लस, और यह स्क्वायर स्क्वायर से रूट खत्म कर देते हैं, यानी 3/2 यह स्क्वायर इस पे भी, यानी कि 4। यह हो गया आपका। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, ये ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 × 1 = 5। ध्यान रखना ये नीचे से गुना मत कर देना, ऊपर से सिर्फ गुना होता 5 × 1 = 5 और 4। फिर उसके बाद में प्लस, ये इससे गुना हो जाएगा 16/3 − 1। देखो तो फ्रेम कट रहा नहीं रहा, नहीं सही। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, ये जो है ना इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम 4 हो जाएगा। एक मिनट, ये फ्रेम में नहीं आ रहा, इसको ऊपर कर देते हैं। क्या करना है, ये एज इट इज गुना होके हो जाएगा 5/4 प्लस में 16/3 − 1, और नीचे इन दोनों का एलसीएम 4 हो जाएगा, तो 4 लिखो। ठीक है, अगर जो एलसीएम ना, अब एलसीएम लेने में इजी पड़ रहा है इसलिए हमने ये डायरेक्ट ले लिया, अगर जो एलसीएम ना इजी पड़ता तो इसको इससे गुना करके इसको यहाँ से और इसको यहाँ करके काम तमाम कर देता। एलसीएम इजी पड़ रहा है, यानी 1/3 1+3, यहाँ कुछ नहीं कर, 1। इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। 4 को कितना बार पढ़ें कि 12 आ जाए, तो 3 बार, तो 15। 5 को भी 3 बार पढ़ेंगे तो 5 × 15। 3 को कितना बार पढ़ें कि 12 आ जाए, तो 4 बार, तो 16 × 64। फिर माइनस 1 को कितना बार पढ़ें कि 12 आ जाए, तो 12 बार ही पढ़ेंगे, तो 1 को भी 12 बार पढ़ना पड़ेगा, और नीचे में 4/4 ये हो जाएगा। अब आप जानते हो कि ये डिवाइड हो गया खत्म, नीचे तो 1 बच गया, तो और ऊपर में क्या रह गया, इसको मिटा दो। ऊपर में हमारा सिर्फ ये रह गया, अब ऐड करके और सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है। तो ऐड क्या पहले करें, 15 में 12 घट गया तो कितना बचा, 3,
और 3 में 65 जोड़ देंगे तो 67 अपॉन में नीचे कितना बच गया 12, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अगर जो कुछ गलती हो गया होगा तो आप सुधार लीजिएगा, क्योंकि पता नहीं हमने आंसर भी नहीं देखा क्या है, एक सुधार लीजिएगा अगर जो गलती होगा, लेकिन आंसर यही आना चाहिए हमारे तरफ से तो सही सब सारा चीज। कोई कोई डिजिट मिस्टेक से 4 के जगह 5 लिखा जाता है, 5 के जगह 6 लिखा जाता है, तो इस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, इसका वो मत हवा मत बना दीजिएगा कि एक गलती हो गया तो सारा ही गलती हो जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड जस्टिफाई योर चॉइस। ये कह रहा है कि अपना जो ऑप्शन है वो चुनिए और ये निर्णय कीजिए कि आपका चॉइस, ये आपका चॉइस सही है या गलत। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रखा है, दूसरा क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन का, टेन 30 डिग्री अल्टरनेटिव यहाँ पर वो है, अल्टरनेट क्वेश्चन से यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में इसका ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है साइन 60 डिग्री, बी में दे रखा है कॉस 60 डिग्री, सी में दे रखा है टेन 60 डिग्री और डी में दे रखा है साइन 30 डिग्री 30 डिग्री ये दे रखा है। इसको कैसे करें? अरे भाई ये सब तो चुटकियों का काम है, ज़्यादा थोड़ी इसमें ऑप्शन देखें। अब देखेंगे कि इसका वैल्यू निकलने के बाद देखेंगे कि वो कौन किस चीज़ का वैल्यू इन सब में किसका वैल्यू से मेल खाता है। इसका देखिए, इसका वैल्यू आता है कितना, √3/2, इसका वैल्यू आ जाता है 1/2, इसका वैल्यू आ जाता है √3/ एक मिनट 60 है ना, तो 3/1 यानी √3 आ जाएगा, सिर्फ √3 और इसका वैल्यू है 1/2। ठीक है, तो आप देख लेते हैं किसका आंसर आएगा, 2 × 10 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√3 होता है 30 डिग्री का, अपॉन में 1 + 10 30 डिग्री का वैल्यू वही अपॉन में √3 और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दो, ये ऊपर से गुना हो जाएगा, अपॉन में 1 + इस ए स्क्वायर इस पे भी ए स्क्वायर इस पे भी, तो 1 का स्क्वायर 1 और स्क्वायर से रूट खत्म, तो 3। आप 2/√3 एलसीएम ले लो 3, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2√3/4/3। आप जानते हो कि 2√3 लिखेंगे तो भागा को गुना में बदल देंगे तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, 4 × 2 = 2 खत्म, 2 × 4 खत्म। और फिर उसके बाद में आप देखिएगा कि यहाँ 3 को हम लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3। ठीक है, ये लिख सकते हैं, तो आप ये लिखिए यहाँ पर 1 बचा, फिर अपॉन में √3 मल्टीप्लाई 3 को हम √3 × √3 लिख सकते हैं, अपॉन में 2 बच गया है, तो √3 से 1 √3 खत्म, हमारा करेक्ट आ गया √3/2 और √3/2 किसका है, तो ये देखिए इसका है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन करें, दूसरा ऑप्शन दूसरा क्वेश्चन का दूसरा 1 − 10² 45 डिग्री अपॉन में 1 + 10² 45 डिग्री। वन का इसका ऑप्शन दे रखा है ए में 10 90 डिग्री, बी में 1, सी में साइन 45 डिग्री और डी में वो 0 है ना, तो और कुछ नहीं करना। देखिए इसका सॉल्यूशन करना, 1 as it is हो जाएगा, माइनस में 1 का 45 डिग्री का वैल्यू 1 और उसका स्क्वायर, फिर 1 + में इसका वही हो जाता 1 और उसका स्क्वायर, 1 − 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 + 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो 1 में 1 गया तो 0 और नीचे में 2, और किसी भी संख्या में 0 से भाग देते तो उसका आंसर आता है 0, यानी कि आपका आंसर ये आया। ये अपरिभाषित होता है, ये क्या होता है अपरिभाषित, 10 90 डिग्री का मान अपरिभाषित, ये 0 ही था आंसर, तो इसलिए हमने डायरेक्ट 0 लगा दिया, तो आप देख लीजिए। तो
आज भर के लिए यही है, यहीं तक रखते हैं। आई होप कि ये आपको अच्छा लगा होगा। ओके, और इसमें कोई भी और डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि क्या क्या इसमें आपको अच्छा लगा या खराब लगा, हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू सो मच।